की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, हर नौ रघुबर बिमल जसु जो नायक बल चाल। बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण दान, जय कबीर सति लोक उदार। ये जो मोहन भागवत जी का बयान आया है कि देश में जाति व्यवस्था का जिम्मेदार पंडित है, तो पंडित मतलब तत्कालीन जब जाति व्यवस्था की बात हुई थी तो ब्राह्मण ही थे, दूसरा कोई पंडित नहीं था। तो इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में ये रोष है कि इस बयान के बाद से उस देश में उनके प्रति नफरत की भावना और जाएगी और हिंसात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके विरोध में और ब्राह्मण समाज के जो सम्मान की लड़ाई है उसके लिए आज हम लोगों ने मोहन भागवत जैसे व्यक्ति जो एक बहुत बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारे जो ये बयान दिया गया है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले। क्या गलत कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि वर्ण व्यवस्था के जिम्मेदार पंडित हैं। नहीं, पंडित नहीं है, मनुस्मृति जो है वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने लिखी, वो किसी पंडित ने नहीं लिखी, ईश्वर द्वारा रचित है मनुस्मृति। हम लोग मनुस्मृति के समर्थक हैं। मनुस्मृति में ये कहीं नहीं कहा गया कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा या पंडित का लड़का पंडित होगा। कर्म के हिसाब से वर्ण विभाजन है, जिसको देश में कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए तरह तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और एक वो जाति जो जीवन भर जिसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को ज्ञान देने में, लोगों को दया सिखाने में, लोगों को शिक्षा देने में दिया, उसके खिलाफ नफरत की भावनाएं फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ये बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान के बाद से एससी एसटी बैकवर्ड लोगों का जो रुझान सपा और अन्य दलों के प्रति झुक रहा है उसको दबाने के लिए दिया गया, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, ये बीजेपी खुद ही कह रही है। भागवत जी के द्वारा ये कथन इसलिए आया कि बीजेपी इस कथन पर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं कर पा रही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण की वजह से ही जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण ने ही सबको तकलीफ दी है, तो ब्राह्मण ही गलत है। तो हम लोग तो चंद लोग हैं, ये चंद लोग हमको मार के भेज दें। जो अब तो ये सिद्ध हो गया कि जेएनयू में जो लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो भी आरएसएस की मानसिकता का द्योतक है, जानबूझ कर लिखवाया गया ब्राह्मणों के खिलाफ। देखिए, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग भैया लड़ाई झगड़ा गुंडे ही तो कर नहीं पाएंगे रोड पे, क्योंकि हम लोगों की गाड़ियां पलटा दी जाती हैं, दो दो मिनट में बुलडोजर चला दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग भैया गुंडे ही नहीं कर पाएंगे, हमारे आराध्य हनुमान हैं, भय बिन होए न प्रीत। तो उनके द्वारा ही हम मोहन भागवत के अंदर ये भय पैदा कर रहे हैं कि भागवत जी आप भी चित्पावन ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको आज से हम ब्राह्मण लोग विभीषण बोलेंगे कलयुग का। आपको सीधा सीधा ये आपको बयान अपना वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जेनोसाइड की तरफ जा रहा है, ये बयान ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन चालू करा देगा देश में। आप अपने बयान को वापस लीजिए और ब्राह्मण समाज से माफी मांगिए, वरना आप विभीषण कहलाएंगे। बयान अगर वापस नहीं लेंगे तो क्या? तो चैनलाइज हम लोग करेंगे। आज हमारा जमीर जागृत हुआ, कल आपका जागृत होगा, पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण अब किसी घर की खेती नहीं रह गया है, ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग ऐसे शांति से बैठे हुए हैं, कल हम लोग रोड घेरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे ना, मर थोड़ी नहीं जाएंगे, अपनी जान दे दें हम लोग।